बिहार में कोरोना की दूसरी लहर से हुई मौत का आंकड़ा छिपाने का अब सरकारी खेल सामने आने लगा है। सरकार ने कोरोना से हुई मौत का 4000 मौतों का आंकड़ा जो है वो छिपा दिया था। बता दें आपको कि कोरोना की दूसरी लहर में, याद कीजिए जब बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दिया था, उस वक्त जो हालात बने थे बिहार के अंदर, जो परिस्थितियां बनी थी बिहार के अंदर, वो याद करने से रोए खड़े हो जाते हैं। शमशान घाट में लाशों को जलाने का जगह नहीं मिल पा रहा था, लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती थी। लोग चाहते थे कि उनके जो परिजन मर गए हैं उनकी लाश को जला दिया जाए, लेकिन जगह नहीं होने के कारण घंटों इंतजार करना पड़ता था। लेकिन कई सवाल खड़े हुए कि क्या सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं वो बिल्कुल सटीक आंकड़े हैं? नहीं, वो आंकड़े सटीक नहीं थे और अब ये खेल सामने आने लगा है। बिहार सरकार ने करीब 4000 मौतों का आंकड़ा जो है वो छिपा दिया था। सरकार ने अब तक कोरोना से 5458 मौत होने की जानकारी दी थी। अब पता चला है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही 9375 लोगों की मौत हुई। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने ये बात स्वीकारी है, लेकिन हम आपको बता दें कि वो आंकड़ा है जिसे अब सरकार स्वीकार कर रही है। शमशान से लेकर कब्रिस्तानों का आंकड़ा जोड़ लिया जाए तो ये तादाद कई गुना ज़्यादा होगी। दरअसल कोरोना के कहर के बीच बिहार सरकार हर दिन कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा जारी कर रही थी। सरकार के पास जिलों से रिपोर्ट भेजे जा रहे थे, उन्हें जोड़कर मौत का पूरा आंकड़ा जारी किया जा रहा था। अब सरकारी जांच में पता चला कि जिलों से मृतकों की जो संख्या भेजी जा रही थी उसमें बड़े पैमाने पर हेरा फेरी की गई। जिलों ने मृतकों की सही संख्या भेजी ही नहीं, लिहाजा गलत आंकड़े जारी किए गए। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने स्वीकारा कि कोरोना से होने वाली मौत का सही आंकड़ा सामने नहीं आया था। उनके मुताबिक सरकार ने जब अपने स्तर से जांच कराई तो ये बात सामने आ रही है। अपर मुख्य सचिव बोल रहे हैं कि जिन्होंने गड़बड़ी की और सही संख्या की जानकारी नहीं दी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रत्यय अमृत ने बताया कि पिछले 18 मई को राज्य सरकार ने कोरोना से होने वाली मौत को लेकर जांच कराने का आदेश जारी किया था। इसके लिए जिलों में दो तरह की टीम बनाई गई। एक टीम में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ साथ कॉलेज के मेडिसिन विभाग के हेड को रखा गया था। वहीं दूसरी टीम सिविल सर्जन के नेतृत्व में बनाई गई, जिसमें एक और मेडिकल ऑफिसर शामिल थे। दोनों स्तर पर जब जांच की गई तो पता चला कि मौत के आंकड़ों को छिपाया गया है, सरकार को गलत जानकारी दी गई। कोरोना से हुई मौत के मामलों में बड़ी गड़बड़ी उजागर होने के बाद सरकार कह रही है कि दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि ये गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने गड़बड़ी की है उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और कब तक ये कार्रवाई होगी, इस पर स्वास्थ्य विभाग और सरकार चुप्पी साध कर बैठ गई है। वैसे सरकार ये भी कह रही है कि कोरोना से हुई मौत का सही आंकड़ा सामने नहीं आया, इसमें सिर्फ सरकार या सरकारी तंत्र का ही दोष नहीं है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बहुत सारे लोगों की मौत होम आइसोलेशन में हो गई, बहुत सारे लोग संक्रमित होने के बाद दूसरे जिले में चले गए जहां उनकी मौत हो गई, कई मौत अस्पताल ले जाने के क्रम में हुई, कुछ पोस्ट कोविड मौत भी हुई, ऐसे में उनका सही आंकड़ा नहीं मिल पाया। फिर भी बड़े पैमाने पर लापरवाही हुई है और इस पर कार्रवाई भी होगी। बिहार में सरकार कोरोना से अब 9375 लोगों की मौत होने की बात स्वीकार रही है, वो उस संख्या से कई गुना कम है जो शमशान और कब्रिस्तान से आई है। दरअसल सरकार कह रही है कि कोरोना से मौत तभी मानी जाएगी जब जांच में मृत व्यक्ति पहले से ही पॉजिटिव पाया जा चुका हो, लेकिन बिहार के ऐसे कई गांव या इलाके हैं जहां बड़ी तादाद में लोग कोरोना जैसे लक्षण से मरे, लेकिन वहां जांच की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, लिहाजा उनकी मौत को कोरोना से मौत मानी ही नहीं जाएगी। सरकारी आंकड़े की हकीकत पटना हाईकोर्ट में दायर की गई एक सरकारी रिपोर्ट में खुली थी।
दरअसल बक्सर में गंगा नदी में शव मिलने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि बक्सर में कोरोना से कितनी मौत हुई। इसके बाद सरकार के दो अधिकारियों ने हाईकोर्ट में अलग अलग रिपोर्ट दाखिल की थी। बिहार सरकार के मुख्य सचिव की ओर से कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में कहा गया था कि कोरोना से दूसरी लहर में 1 से 13 मई के बीच बक्सर में केवल 6 मौतें हुई हैं। वहीं दूसरी ओर पटना आयुक्त की रिपोर्ट में बताया गया कि 5 मई से 14 मई के बीच बक्सर के सिर्फ एक घाट पर 789 शवों का दाह संस्कार हुआ है। आंकड़ों का ये अंतर बताने के लिए काफ़ी है कि कोरोना को लेकर क्या खेल हुआ है, और अब जब सामने आने लगे हैं मामले तो सरकारी खेल जो है मौत के आंकड़ों को लेकर के, हम बात कर रहे हैं कोरोना की मौत के आंकड़ों को लेकर के, वो अब सामने आने लगा है कि सरकार ने कोरोना की मौत के आंकड़ों को छिपाया था। और ये बात स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी स्वीकारी है। हालांकि प्रत्यय अमृत ने ये कहा है जरूर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी क्योंकि मामला ये काफी गंभीर है। अब देखने वाली बात होगी कि तमाम वादों के बाद, तमाम दावों के बाद कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी, क्या सरकार ठीक तरीके से इन लोगों पर कार्रवाई करती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।